हेलो नमस्कार, वर्णमार चरण में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा बंसल न्यूज ने उठाया है, सरकार से पूछा है कि अतिथि शिक्षक 100% रिजल्ट लाते, बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, फिर इनका नियमितीकरण क्यों नहीं किया गया, इनको हटाने के आदेश क्यों दिए गए और अतिथि शिक्षकों को क्यों हटाया गया, जबकि अतिथि शिक्षकों ने एक ही मांग की थी सरकार से कि इनका नियमितीकरण किया जाए। तो इनका नियमितीकरण तो नहीं किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को सरकार ने हटाने के आदेश दिए, जिसको लेकर बंसल न्यूज ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया। तो क्या कहना है मीडिया का, मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ अतिथि शिक्षकों को क्या कहना है बंसल न्यूज का। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। वो अतिथि शिक्षकों की कब तक नियुक्ति होगी और सरकार कब तक नियमितीकरण करेगी, क्योंकि सरकार ने वचन दिया था कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का हम नियमितीकरण करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। दोस्तों, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो एक अहम खबर लेके मैं आपके पास आई हूं, हाजिर हुई हूं। दरअसल दोस्तों, एक बड़ा फैसला लिया है कि जो इसको कहते हैं, जो कि बीते दिन काफी दिनों से असंतुष्ट भी नजर आ रहे थे सरकार से, सरकार की नीतियों से, अब उन लोगों को शिक्षा, उनको शिक्षकों को, अब जो अतिथि शिक्षक थे उनको अब निक्की बोलो काम कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। निश्चित रूप से उन लोगों ने सिर्फ इतनी अर्ज लगाई थी सरकार से, इतनी दरकार की थी सरकार से कि वो लोग जो कर रहे हैं उसके बदले उनको नियमित कर दिया जाए। नियमित करने की मांग लगातार जो अतिथि शिक्षक थे वो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी और आखिरकार जो फैसला है वो ये लिया, सरकारी से निकाला जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं, बड़ी खबर है, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने जब आदेश जारी कर दिए हैं, निश्चित रूप से अब जो भी है अतिथि शिक्षक बस नौकरी कर पाएंगे, सेवाएं दे पाएंगे। और मालूम कि जब कोरोना का संकट काल आया था उस दौरान भी जो अतिथि शिक्षक थे उन लोगों ने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, लेकिन उसके बाद भी उनने सिर्फ सरकार से ये मांग की थी कि उनको नियमित किया जाए। शिक्षकों को नौकरी से इससे पहले भी निकाला गया था। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये कि सरकार ने ये वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को रखा था कि जब सरकार आएगी, वो अगर आई तो अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस आज से, जिस उम्मीद से उन अतिथि शिक्षक को वोट किया था, ऐसा कुछ भी होता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और अतिथि शिक्षकों को अब नौकरी से हटाए जाने का फैसला उच्च शिक्षा विभाग ने ले लिया है। और स्कूलों में आपको बता दूं, जब शिक्षक नहीं थे तब वहाँ पे अतिथि शिक्षकों को, जो युवा बेरोजगार थे और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना चाह रहे थे, उनको उस वक्त नौकरी दी गई थी, उनको उस वक्त इसमें रखा गया था नौकरी में, लेकिन उसके माध्यम से रखा गया था। और जो अतिथि शिक्षक थे उसकी वजह से मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी था, वो भी काफी ज्यादा पढ़ा था, जो रिजल्ट थे वो 70-75% तक आने लगे थे, क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने योगदान दिया अपना और बहुत अच्छे से उन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, उन लोगों ने अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन किया, लेकिन लगातार जो अतिथि शिक्षक है वो मांग कर रहे थे कि उनको नियमित किया जाए। और सरकार ने ये वादा भी किया था कि जब सरकार बनेगी तो उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद शिक्षकों को नौकरी से हटाया गया था। और उसके बाद अब अतिथि शिक्षकों को नौकरी से हटाने का एक और बड़ा फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है और उनको अब नौकरी, बड़ी बात यह कि बच्चों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था, क्योंकि जो अतिथि शिक्षक थे युवा सोच के साथ आए थे और वो बेरोजगार थे, निश्चित रूप से उनको काम करने की भी आवश्यकता थी, तो उन्होंने जो अपना कर्तव्य था उसको इतने बेहतर ढंग से समझा और इतना बेहतर योगदान दिया शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चों का जो रिजल्ट था वो काफी ज्यादा अच्छा आने लगा था। अब देखना होगा, क्योंकि बच्चों का भी जुड़ाव काफी ज्यादा उनसे हो गया था, तो क्या कुछ बच्चों का जो रुख होता है वो होता है, लेकिन एक बड़ा फैसला ये लिया गया है उनको पदस्थापित किया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो अतिथि शिक्षक हैं अब वो बेरोजगार बन के रह जाएंगे, सवाल निश्चित रूप से पूछने योग्य है और ये जो फैसला है ये भी विचारणीय है। बड़ा फैसला है ये, क्योंकि एक सरकार ने जिस प्रकार से एक जिम्मेदारी कही थी
वो जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। तो ध्यान देने योग्य फैसला है। अलीराजपुर की शान सोलंकी बॉय जो भी हैं आप, नमस्कार, हम ऐसा जुड़े थे। ऐसा क्यों? तो देखिए सोलंकी, हमें पता नहीं है शान कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जब उच्च शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है तो ये सोचने वाला फैसला ही है। और हमारे साथ और भी कुछ जो युवा हैं, जो लोग हैं वो जुड़े हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हर्षित राजपूत हैं, उनने बोला है एमपी में महंगाई ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हर्षित, आज जो चर्चा का विषय है वो ये नहीं है फिलहाल, इसलिए इस बात पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपका आपकी ये मांग है कि इस पर चर्चा हो, इस पर हम अपने भाव, जो अपने विचार हैं वो रखें, तो हम आगे जो आपके बात है, आपकी मांग है, उसको आगे सेक्शन में रखेंगे, आगे सेशन में रखेंगे। लेकिन बड़ी बात अभी ये है, अंकित और जो भी आप सभी जो दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, अगर तो अतिथि शिक्षकों को नौकरी से हटाया गया है।